Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Umeed karta hoon aap sare khairiyat se honge. To students, jo aaj hamare video ka topic hai कि वो किसी भी भर्ती के लिए वज़न कैसी की जाती है, वज़न कैसी चेक की जाती है, जो कि चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो या पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो जो भर्ती आती है उसमें, और इसके लिए वेट जो है वो कैसी चेक की जाती है. तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन इसके लिए जो है ना आपने हमारे साथ ही रहने, और अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ. चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहले बात आ जाती है वो BMI की आ जाती है, कि BMI इससे क्या बनता है और ये कैसे जो है ना चेक की जाती है. तो BMI से बनता है बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स आपकी किस तरह से चेक की जाती है, उससे आपका पता चल जाता है कि आप ओवरवेट हो या अंडर वेट हो या आप क्या हो. सबसे पहले जो है वो आपकी वेट चेक की जाती है वहाँ पर जब आप जाते हो, मतलब जब वेट होती है. बाकी मेडिकल तो आपका वैसे भी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँ, मैं सिर्फ आपका वेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. जो पाकिस्तान नेवी में अभी लड़के जा रहे हैं उसमें फाइनल मेडिकल उधर हिमालय में होने, तो उसके लिए स्टूडेंट जो है ना उन्होंने ये ख्वाहिश की थी कि सर काइंडली इस पर वीडियो बनाए, तो इसके बारे में हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी जो डिपार्टमेंट है, बाकी जितनी भी है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट इनका तो अभी करीब ही आने वाला है, तो इस वजह से जो है ना मैंने सारों को मेंशन कर दिया. और ये इन जो अभी हिमालय में जाएंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका उधर फाइनल मेडिकल होना है. तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में आगे जाते हैं. सबसे पहले जो है आपके वेट चेक की जाती है. तो स्टूडेंट, इसको आप देख ले, इसी तरह से एक मशीन होता है जिस पे आपका वेट चेक किया जाता है. जो भी आपका वेट होता है वो ये देख ले इसमें आ जाता है, या किसी और किस्म का मशीन होगा. मशीन जो है ना वो बहुत किस्म के हैं, लेकिन मैं आपको जो वैसे ही जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ. इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद आपकी हाइट चेक की जाती है. और हाइट जब आपकी चेक की जाती है और वेट आपकी हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपकी BMI जो है ना वो मालूम करते हैं. तो यहाँ पर हम चार्ट पर जाएँगे और उस चार्ट से आपको अभी दिखाएँगे कि आपकी BMI हम कैसे चेक करेंगे. तो स्टूडेंट, ये हमारा चार्ट है और इस चार्ट को हम आपके साथ जो है ना डिस्कस करेंगे कि इस चार्ट में आपने अपनी वेट कैसे मालूम करनी है. सबसे पहले ये कोने में आप देख ली ये चीज़, ये कलर जो है अंडर वेट, मतलब आपकी जो वेट बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो यहाँ पे शो होती है. ये कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये सारी आपकी यही शो करते हैं कि आप अंडर वेट, और आप थोड़ा बहुत खाना पीना जो है ना वो ज़्यादा करें ताकि आपकी वेट ज़्यादा हो जाए. क्योंकि अगर आप ओवर वेट भी हो तो तब भी आप इनएलिजिबल हो, आप जो है ना उसको निकाल देंगे. अगर आप ओवर वेट भी हो तब भी आपको निकालते हैं. उसके बाद ये ओवर वेट आप देख ले, ये कलर जो है येलो कलर, ये ओवर वेट है. ये जितने भी येलो कलर है ये ओवर वेट के हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे साथ पास है नॉर्मल या हेल्दी, मतलब ये जो है ना ये कलर ग्रीन, ये हाफ सा ग्रीन जो है, ये कलर अगर आपका आ जाए तो इसका ये मतलब है कि आप फिट हो, आप जो है ना नॉर्मल हो या आप हेल्दी हो. उसके बाद ये ओबीस जो है, ओबीस इसे प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी यार, इसमें मैं थोड़ा गलत हो जाता हूँ, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बट इसकी जो स्पेलिंग है वो BOBESE ओबीस इस तरह से आता है. तो इस ये रेड कलर जो है ये ओवर वेट में भी आता है, लेकिन इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो. जो आपकी BMI है वो 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, इस वजह से आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो. तो यहाँ पे आप अपनी वेट वगैरह कम करनी, लेकिन इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो ट्रेनिंग में कम हो जाती है. कि अगर आप फाइनल मेडिकल पर अभी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो वो आपकी कम हो जाएगी, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है. उसके बाद आपने इसमें कैसे पता करना है कि मैं नॉर्मल हूँ, ओवर वेट हूँ, अंडर वेट हूँ या जो भी हो, उसकी डिस्कशन करते हैं. यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा. सबसे पहले मैंने आपको बताया आपकी जो है ना वेट और हाइट हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देख ले, ये हाइट है आपकी उसमें फुट 5.0 है, 5.1, 5.2, मतलब फुट और इंचेस में है. उसके बाद ये आप देख ले यहाँ पे, ये ऊपर वाला लाइन ये आपकी वेट इन किलोग्राम है, कि मतलब आप अपनी वेट चेक करेंगे, जितना आपका वेट होगा उस हिसाब से फिर आपने यहाँ पे फाइंड करना है. अगर आपकी हाइट है मिसाल के तौर पर नेवी का नॉर्मल ही ले लेते हैं, जिस तरह से नेवी का है वैसे 5.4 आपका जो भी हो फिर आप वो इसमें फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इसी तरीके से हम आपको बताएंगे यहाँ पे मेरी 5.4 जो है वो मेरी हाइट है मिसाल के तौर पर, और मेरी जो वेट है वो है 64. यहाँ पे मैं लास्ट पे इसलिए आता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए. मेरी वेट है 64, तो यहाँ पे मैं कैसे फाइंड करूँगा, ये 64 है और ये मेरी हाइट है, तो यहाँ पे ये हाइट वाले मेरे अपने हाइट वाले लाइन में आके यहाँ पे 64 में नीचे वेट में नीचे आके ये आप देख सकते हो 24 मेरी BMI है. उसका कलर कौन सा है, नॉर्मल.
मतलब आप हेल्दी हो, आप जो है ना नॉर्मल हो, आप ओवरवेट नहीं हो। लेकिन अगर आपकी हाइट है जो है ना वो कोई और हाइट है आपकी 65.3 है मिसाल के तौर पे, और आपका जो वेट है वो है 64, तो इसी 5.3 वाले लाइन में आपने आना है, यहाँ पे आप आओगे तो और इसी 64 के लाइन में यहाँ पे आप नीचे अपने हाइट के सामने आपका क्या आ रहा है, 25 BMI आ रहा है, और इसका कलर कौन सा है, येलो वाला। इसका ये मतलब है कि आप ओवर वेट हो। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपकी अगर कोई भी हाइट है, कोई भी है, चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो, कि कोई भी स्टूडेंट है, उसकी जिस तरह से जो भी हाइट है और जो भी वेट है उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे जो है ना वेट चेक कर सकते हो, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप ओवर वेट हो कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, और इस चार्ट को आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे इसकी बहुत से किस्में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस का एक फार्मूला भी है कि उसको आपने वैसे ही फाइंड करने, अगर आपके पास ये चार्ट आपको मिल नहीं रहा जो है ना, आप फाइंड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए जो है ना आपका एक फार्मूला है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, वहाँ पे वीडियो में, अभी वीडियो में आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, तो उस ज़रिए से भी आप अपनी BMI मालूम कर सकते हो। लेकिन उसमें यह है कि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी वेट कितनी है, नॉर्मल हो या जो भी हो, मतलब वो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने नॉर्मल की जो BMI है वो कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्मल की जो है ना वो 19 स्टार्ट होती, अंडरवेट की कहाँ से है, अंडरवेट की जो है वो 18 से स्टार्ट होके, यहाँ पे अभी इस बात को हम यहाँ पे छोड़ ही दे तो बेहतर है, 12 से स्टार्ट होके 18 पे ख़त्म होती है, बट ये आपको समझ नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट आपने जो है ना चार्ट ही डाउनलोड करने हैं, गूगल पे आपको बहुत से मिल जाएंगे, और उससे आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो पूरी वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको और भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके लिए उसी तरह से एक वीडियो बनाऊँ। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।